이해하고 싶어 줄 맡기고 싶고 이런 시간들이 You are the most handsome boy in the world. Oh, yeah. Okay, you wanna be alone? ये वाली है मोमो की फेवरेट ट्रीट, इसको बहुत ही पसंद है तो मैं इसको सुबह सुबह हमेशा ये वाली देती हूँ। और अभी हो चुका है मेरी कॉफी का टाइम। इसके अंदर है कॉफी पाउडर जो कि मैं गरम गरम पानी में डालने वाली हूँ।멍멍도 우유 먹고 싶어? 우유 줄까? 알았어. 우유 좋아? 알았어. 기다려, 기다려. So, 이게 वाला है हमारे मंगमंग के लिए, ज्यादा नहीं है इसके अंदर। मंगमंग इससे काम चलाना पड़ेगा। I'm sorry. You happy? No handshake. Handshake. Thank you. Okay. मगो पूरा चाट लिया और चाटो। और अभी टाइम हो चुका है मेरी कॉफी, मिल्क कॉफी का। सो गाइज, अभी बज चुके हैं 9:25 और मैंने कॉफ़ी पी ली है, टीथ ब्रश कर ली है और थोड़ी स्किन केयर लगाई है क्योंकि मैं अभी बाहर जाने वाली हूँ मोंगमोंग के साथ उसको घुमाने के लिए। एंड आई डोंट नो व्हाई मैंने सिर्फ स्किन केयर लगाई, लेकिन फिर भी आज जो मेरी स्किन है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। सो आई एम हैप्पी। सो लेट्स टेक मोंगमोंग आउट फॉर अ वॉक। मोंगमोंग डू यू वांट टू गो आउट? यू वांट टू गो आउट? अरे सो खाजा खाजा, लेट्स गो। 엄마 잠시만 기다려. Okay, let's go. Let's go. Let's go. 둘 기다려. Okay. Let's go. 오늘도 살짝 살짝 바라만 보고 있네. So 얘는 하나 미라시카 outfit, leggings and sweatshirt. 아직 아무 무슨 바티 मस्त मस्त वाला मौसम है। सो ये जो मेरे पीछे है वो एक लॉन्ड्री स्टोर है जहाँ पर मैं कुछ हफ्ते पहले मेरा कोट, जो विंटर कोट है, वो ड्राई क्लीनिंग करने लेने गई थी। और एक बहुत बुरा हादसा हो गया था क्योंकि जो इंसान यहाँ पे काम करता है, जो ओनर है, उसने मुझे 3 times मोर चार्ज करा मेरे ड्राई क्लीनिंग के लिए, सिर्फ क्योंकि मैं एक फॉरेनर हूँ। उसकी वजह से उसने सोचा कि शायद मुझे पता नहीं होगा कि इतना एक्सपेंसिव होगा। सो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा चार्ज करा था, जो कि था 20,000 एक छोटे से कोट के लिए। और यूजुअली उस साइज़ कोट के लिए वो चार्ज करते हैं यहाँ पे 5,000। तो 20,000 बहुत सारा होता है, मतलब कि 20,000 में मैं एक प्रॉपर ड्रेस खरीद सकती हूँ। तो उस टाइम मैंने कुछ फ्रेंड्स को बताया था और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे गए थे और उनको डांटा था कि तुमने इसको इतना चार्ज क्यों करवाया, तुम फॉरेनर लोगों को इतना चार्ज क्यों करवाते हो। सो काफ़ी बेइज्जती हुई थी उन लोगों की जो वहाँ पे काम करते हैं। आई स्टिल पेड 20,000। उसने मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, उसने बोला था कि कोविड की वजह से सारे जो प्राइस है ना वो हाई हो चुके हैं, लेकिन 5,000 and 20,000 इट्स अ ह्यूज गैप, राइट? और एक्चुअली ऐसा हादसा मेरे साथ इंडिया में भी हुआ हुआ है क्योंकि 10 साल बाद में मैं इंडिया गई थी समर 2019 में। और अभी तो मेरी हिंदी बहुत सुधर चुकी है, बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन 2-3 साल पहले जो मेरी हिंदी थी ना वो बहुत ही बेसिक थी, बहुत ही ख़राब थी आई माइट से। और विदेश में हिंदी में बात करने का मज़ा ही कुछ और है। और बहुत बहुत माफ़ी कि मेरी हिंदी की एक्सेंट थोड़ी अजीब लगती होगी आपको, क्योंकि मेरी आदत नहीं है हिंदी में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी ये अजीब सी हिंदी सुन रहे हो। सो जब भी मैं इंडिया में स्टोर में जाती थी कुछ सामान खरीदने, तो लोगों को पता चल जाता था कि मैं NRI हूँ, तो वो हमेशा मुझे ओवर प्राइस करने की कोशिश करते थे। तो इट जस्ट डजंट हैपन इन कोरिया, इट हैपन्स एवरीवेयर। सो आप प्लीज़ जब भी आप कोई फॉरेनर कंट्री में जाए, डजंट मैटर कि कोरिया है या कोई और कंट्री है, आप हमेशा सावधान रहिए कि जब भी आप कुछ चीज़ ख़रीदते हैं तो हमेशा शर्माइए मत कि
क्यों प्राइस इतना हाई है, क्यों प्राइस इतना लो है, क्योंकि कुछ लोग अच्छे लोग नहीं होते और वो हमेशा कोशिश करते हैं फॉरेनर को ओवर चार्ज करने की. सो प्लीज़ बी केयरफुल. अब तेरिया पंग पंग अब किदारिया ओची मगा चम चम सब सीधा. अभी टाइम हो चुका है घर पर जाने का, सो लेट्स गो होम. आई गो वे सुरपो सुरपो में नंदे. तो अभी हम घर पर आ चुके हैं और अभी मंग मंग के जो पैर है ना उनको साफ करना है, सो लेट्स गो टू द बाथरूम. मुझे एक शावर की सख्त ज़रूरत है, सो आई एम गोना टेक अ शावर एंड उसके बाद में मैं आपको बाहर घुमाने लेने जाऊँगी एंड वी आर गोना गो टू अ मेकअप शॉप क्योंकि मुझे कुछ मेकअप ख़रीदना है. उसके बाद में मुझे आई कॉन्टैक्ट जो क्लीन क्लियर कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना वो वाली ख़रीदनी है और उसके बाद में हम कॉफ़ी शॉप पर जाएंगे एंड आई एम गोना गो टू माई जॉब एंड या दैट्स ऑल. तो अभी मैंने शावर कर लिया है और अभी जो मेरा फेस है ना वो काफ़ी टाइट और ड्राई फील हो रहा है तो इसके लिए मुझे स्किन केयर लगानी पड़ेगी. तो सबसे पहले ये वाला लगाते हैं. दिस वन इज़ एक्चुअली अ नाइट क्रीम बट आई यूज़ इट एज अ डे क्रीम सो डोंट माइंड इट. और ये वाला है सनस्क्रीन. एनीवे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करते हो एंड ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ़ यू गाइज आर वेरी वेरी स्वीट. आप बहुत काइंड और मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने स्वीट हो इतने लवली हो एंड इट जस्ट ब्लोज माई माइंड. इट मेक्स मी सो हैप्पी. आई एम जस्ट यू गाइज मेक मी सो हैप्पी सीरियसली. लेकिन कुछ अजीब गरीब लोग भी हैं जो मुझे बहुत ही हेटफुल कमेंट्स लिखते हैं. और एक्चुअली मेरे पास एक फनी स्टोरी है. कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर DM करा था और उसने बोला था कि शी हेट्स मी. वो मुझसे नफरत करती हैं. जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता. उसको बहुत गुस्सा आता है जब भी वो मेरा चेहरा मेरा थोबड़ा देखती हैं. सो आई वॉज क्यूरियस और मैंने उसको रिप्लाई करा कि क्यों आपकी प्रॉब्लम क्या है प्लीज़ मुझे बताइए, शायद मेरी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ. तो गेस व्हाट शी सेड. आई मीन दैट्स रियली फनी. तो उसने बोला था कि वो मुझे इसलिए हेट करती है क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हूँ कोरिया में. इट डजंट मेक सेंस राइट. सो दैट वाज फनी. सो प्रोबेबली शी इज राइट. प्रोबेबली आई शुड स्टॉप शोइंग ऑफ. एनीवे इट्स 11 और मुझे जल्दी से लंच करना है और उसके बाद में मैं आपको बाहर लेने जाने वाली हूँ. सो एक्चुअली कल संडे था और संडे को मैंने डिनर में बहुत ही सारा डिलीवरी फूड ऑर्डर करा था और ऑफ कोर्स मैं एक अकेली इंसान हूँ तो मैंने पूरा नहीं खाया खाना. तो उसकी वजह से जो कल का खाना बच चुका है वो मैं आज गर्म करके लंच में खाने वाली हूँ. और जो खाना मैंने ऑर्डर करा था वो है एक फ़िश सूप जो कि कोरियन लोग काफ़ी खाते हैं क्योंकि उसको काफ़ी हेल्थी माना जाता है. काफ़ी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर तो उसकी वजह से मैं वो वाला खाने वाली हूँ साइड डिश के साथ चॉपस्टिक. और यूजुअली मैं सफ़ेद चावल नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो काफ़ी हैवी होते हैं डाइजेस्टन के लिए. तो मैं हमेशा ये जो लाल कलर के चावल होते हैं ना वो वाले खाती हूँ. एंड ऑफ कोर्स ऑरेंज क्योंकि मोंग मोंग का फेवरेट फूड ऑरेंज है तो मैं उसके लिए उसकी वजह से मैं ऑरेंज खरीदती हूँ और ऑरेंज खाती हूँ. सो आफ्टर लंच आई हैव टू ब्रश माई टीथ एंड ऑफ कोर्स ड्राई माई हेयर. आई रियली रियली हेट ड्राइंग माई हेयर. आई feel like it's a time wasting but I still try my best to keep my hair as healthy as possible. So abhi jo mere baal hain wo lagbhag 60-70% dry ho chuke hain lekin abhi mere paas zyada time nahi hai to isliye main aise hi bahar jane wali hu wo apne aap hi air dry ho jayenge so it's okay. So I'm ready to go out aur ye hai mera outfit of the day. Please comment mein batana ki aapko kaisa laga. तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे मंग मंग को अकेले घर पर छोड़ना पड़ता है और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि वो पूरे दिन अकेला घर पर रहता है लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं है. सो गाइस अभी मैं घर से बाहर आ चुकी हूँ. तो सबसे पहले हमें बस लेनी है. आई एम सॉरी जो मेरी हील्स है वो काफ़ी अनोइंग आवाज़ कर रही हैं. आई होप यू डोंट माइंड इट.
तो सबसे पहले हमें बस लेनी है और बस लेके हमें जो कॉन्टैक्ट जो आई स्टोर है ना वहाँ पर जाना है, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट्स ख़रीदनी है। जो मेरी कॉन्टैक्ट्स है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, और यूजुअली जब मैं बाहर जाती हूँ फ्रेंड से मिलती हूँ तभी मैं कॉन्टैक्ट्स पहनती हूँ, अदरवाइज आई डोंट वेयर देम। एंड उसके बाद में हम जाएंगे कुछ मेकअप ख़रीदने, क्योंकि जो मेरा मस्कारा है वो ख़त्म हो गया है और जो लिप टिंट है वो भी ख़त्म हो गई है, तो वी हैव टू डू दैट टुडे। वो रही पीछे बिग बॉस की आंख। एक्चुअली वो बिग बॉस की आंख नहीं है सच में, दैट वन इज आई हॉस्पिटल। वहाँ पर एक आई आंखों का हॉस्पिटल है। यहाँ पर है एक इटालियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है मेड फॉर गार्लिक। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी टेस्टी भी है, सो इट्स वर्थ इट। सो ये रहा हमारा आई शॉप, तो अभी अंदर चलते हैं और लेंस खरीदते हैं। यहाँ से여기 바뀌었어요? 네, 리모델링 했어요. 아, 그래요? 아, 제가 렌즈 사야겠어요. 이번에 저희 기록이 있으시죠? 네. 성함이 어떻게 되셨어요? 푸남. 푸남님? 푸남. 이쪽에 잠시 앉아보시고요. 3일 동안 쓸 수 있죠. 쓸 수 있는 걸로 아쿠아 네. 3이고요. 네. 요거는 그게 좀 양쪽 다 주문하셔야 될 것 같아요. 아, 그래요? 재고가 지금 하나도 없어서. 언제 받을 수 있나요? 요거는 수요일 정도에 도착해요. 수요일? 네, 네 제가 여기 수요일 다시 올 거예요. 다시 오실 수 있으세요? 네, 지금 계산할 거예요. 아, 네. 그럼 네. 연락 받고 오시면 되세요. 그 문자 메시지 보낼 수. 문자로 보내드릴까요? 네, 전화로. 네. 끼실 렌즈는 아직 있으셔요? 아, 이거 마지막 그게 거예요. 마지막이에요? 네. 잠시만요. 이거 오늘까지 쓸 수 있어요. 오늘까지요? 네. 네. 샘플 하나 있어서 이거 하나 챙겨드려 놓을게요. 아, 진짜 감사합니다. 이렇게 아, 감사합니다. 거기 커피 그런 거 한 잔 드릴까요? 아, 네. 이쪽 잠시만 계세요. 아, 네. I got sample contacts. 감사합니다. So I got my orange juice. So actually, 매 यहाँ पे VIP client हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत सारे जो glasses होते हैं ना, sunglasses और जो eye glasses होते हैं ना normal वाले पढ़ने के लिए, वो वाले मैंने बहुत सारे खरीदे हैं यहाँ पे. तो इसीलिए मेरे पास वो VIP card है. तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ खरीदती हूँ तो मुझे free में drinks वगैरह snacks वगैरह मिलते हैं. तो इस बार मैंने ये जो ऑरेंज जूस है ना वो वाला लिया है. तो जब मैं कोरिया में आई थी तो मुझे पता था कि जो कोरियन डॉक्टर्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो कोई भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं. तो उसकी वजह से मैं बहुत खुश थी कि मैं फाइनली मेरी आंखों का इलाज कर सकती हूँ. लेकिन जब डॉक्टर ने बोला कि जो मेरी आँखें ना वो काइंड ऑफ रेयर और स्पेशल आँखें हैं, उनका इलाज नहीं कर सकते, जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक इतनी एडवांस नहीं है, उस दिन मैं बहुत रोई थी घर पर जाकर. क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे बहुत ध्यान रखना चाहिए मेरी आँखों का, और अगर गलती से मेरा एक्सीडेंट हो गया ना और मेरी छोटी सी चोट आई ना यहाँ पे सर में फेस में छोटी सी चोट आई तो जो मेरी आँखें ना वो परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं. तो उसकी वजह से मैं बहुत ही डिप्रेस हो गई थी उस टाइम. लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी विटामिंस और जो भी डॉक्टर ने मुझे बोला था ना वो सब चीज़ कर रही हूँ, ताकि कि मेरी जो आँखें ना उनको मैं स्ट्रांग बना सकूँ. और दो तीन साल में जब टेक्नोलॉजी एडवांस और भी हो जाएगी तब मैं शायद मेरी आँखों का इलाज कर सकती हूँ. सो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. सो इट्स क्वाइट फनी, क्योंकि जो ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलते हैं वो मेरी आँखों की वजह से मिलते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी आँखें बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रीटी है, बहुत ही बड़ी बड़ी आँखें हैं. बट मुझे अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरी आँखें हैं वो अगर मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है. सो इट्स आई डोंट नो, इट्स अ बिटर स्वीट फीलिंग.
एनीवे हमें ये सैड बातें नहीं करनी चाहिए, मैं आपको सैड नहीं करना चाहती। तो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम जल्दी से मेकअप स्टोर जाते हैं और वहाँ से एक मस्कारा वगैरह खरीदते हैं। पर लिखा हुआ है कि जो लास्ट वीक होती है ना, जो फोर्थ वीक होती है, उसमें ये बंद रहता है। जाकी पूरी थी है ना, उनकी किस्मत बहुत ही ख़राब है क्योंकि आज इनिस्फ्री बंद है। जो फोर्थ वीक होती है ना, फोर्थ वीक का मंडे, उस दिन जो सारे इनिस्फ्री होते हैं ना, वो सारे बंद रहते हैं। तो आज हम शॉपिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आसपास ओलिव यंग चलते। मैंने अभी दूसरा मेकअप स्टोर दिखाया है यहाँ पे, तो वहाँ पर हम ट्राई करते हैं। ये रहा दूसरा वाला स्टोर, I don't know, so let's check it out. यहाँ पे डिस्काउंट है। बिग शॉप, मैं ये वाला खरीदती हूँ, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर लिखा हुआ है इट्सी मस्कारा। करीब 2000, लेकिन यहाँ पे मेरे स्किन कलर वाली है नहीं, तो मैं ये नहीं खरीद सकती। So cute. Ariana Grande, I didn't know she made a perfume. घर पे ये वाला है और ये छोटा वाला है। इट्स रियली गुड। अगर आपके बाल लंबे बाल हैं तो मैं आपको ये वाला सजेस्ट करती हूँ ट्राई करने के लिए। आपके बाल बहुत ही स्मूथ और शाइनी दिखेंगे। ओह, आई वांट दिस, दिस लुक्स सो प्रीटी। मुझे ये वाले बहुत पसंद है, लेकिन ये सिर्फ पैरों के लिए है। ये वाले भी अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर है ना, वो मेरे ऊपर सूट नहीं करता। मेरे ऊपर जो नेवी कलर होता है ना, वो वाला सूट करता है, तो ये वाला मैं नहीं खरीद सकती। तो येलो और जो ब्लू कलर होते हैं ना, ब्लू कलर के शेड, वो मेरे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सारे पैरों के लिए है। ये वाला भी, पाइन एप्पल वाला भी पैरों के लिए है। नहीं, अभी टाइम हो चुका है जॉब पर जाने का। जॉब स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ी गरम गरम कॉफ़ी हो जाए, तो ये यहाँ की सबसे सस्ती वाली कॉफ़ी है, ओनली 701, लेकिन काफ़ी टेस्टी है। ज़्यादा स्वीट भी नहीं है और ज़्यादा बिटर भी नहीं है। इट्स अ परफेक्ट बैलेंस। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप अपने जॉब के बारे में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते। एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दैट आई एम अलाउड टू शूट एट माई जॉब प्लेस, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल प्लेस, यू आर नॉट सपोज टू मेक व्लॉग्स ओवर देयर। और जो दूसरी रीज़न वो ये है कि मैं डेली बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, और उसकी वजह से मुझे सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं उनको शूट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। और जो मेरी जॉब लाइफ है, मैं उसको प्राइवेट और प्रोफेशनल रखना चाहती हूँ। सो आई होप यू डोंट माइंड इट। सो आई होप कि आपको आज का भी जो छोटा सा मॉर्निंग ब्लॉग है कि कैसे मेरी मंडे मॉर्निंग होती है, वो पसंद आया होगा। एंड आई सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू, बी हैप्पी एंड बी सेफ।